तो ये है कंप्लीट M3 का किट, M3 का फ्रंट बम्पर। इसके अंदर लगी हुई है कंप्लीट ये फोर्ड की ग्रिल, ये लाइट वाली ग्रिल है, कोई नहीं दवाइए दवाइए कोई दिक्कत नहीं। मेरी आंखें देख के पता लग रहा होगा कि मेरी अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है। ऑल्दो अगर मैं टाइम की बात करूं तो 11:10 हो रहे हैं सुबह के, और रात को ना इतना लेट हो जाते हैं सोते सोते कि नींद पूरी नहीं हो पाती। वैसे मैं नहा के भी आ चुका हूं, और यहां से अभी चल रहे हैं अपन, पहले बताऊं, चलो नहीं बताता, चलते हैं डायरेक्ट। हाय हाय टेंशन। तो आज गाड़ी वैसे धुली है, बिल्कुल साफ सुथरी सी लग रही है एंड अल्टीमेट लग रही है। तो होपफुली कैमरे की क्वालिटी अब बिल्कुल ठीक आ रही होगी, चकाचक आ रही होगी। ये देखो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, और मैं भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा हूँ। देखो बाहर भी अगर मैं कर रहा हूँ धूप की तरफ तो भी बिल्कुल सही है, तो लाइट डार्क भी फर्स्ट क्लास ले रहा है बिल्कुल। ऐसे चलते हैं यहाँ से फटाफट से, कहाँ चल रहे हैं, चलो चलते ही हैं यार, बहुत हो गया। टाइम हो गया 2:08, फोकस ले लिया इसमें, तो पहले वाले कैमरे में लेता ही नहीं था। इसमें कैनन में वैसे थोड़ा सा लेट ही लेता है, सोनी में थोड़ा सा फास्ट है, बट प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा, कि ये 35,000 का आता है, सोनी का आता है करीब करीब लाख रुपए के आसपास, मतलब 90,000 के आसपास। भाई देखो पैसे अपने ही हैं, बचाने पड़ते हैं, और इतना सा फोकस इशू तो झेल सकते हैं कह सकते हैं। तो काफ़ी देर हो गई यहाँ पे काम करते हुए, और अब एक बार नज़ारा दिखाता हूँ वर्कशॉप का। एक बहुत ही स्पेशल कार खड़ी हुई है विद स्पेशल पेंट, पीलेबल पेंट किया अपन ने एक कार के ऊपर, बहुत ही स्पेशल लग रही है, थोड़ी सी ना डिफरेंट सी लग रही है, थोड़ी माचो सी, बीस सी, ऑल दो बहुत ही कॉमन है बट स्टिल दिखने में यूनिक लग रही है। तो यहाँ पे खड़ी है एक GL, जिसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं GLS में। तो अगर आपके पास कोई भी GL हो और जिसको आपको GLS में कन्वर्ट कराना हो तो आप अपने पास लेके आ सकते हैं, मतलब ऑटो मार्क पे। ये खड़ी अपनी वायरल, तो लुकिंग एज ऑलवेज, मतलब बिल्कुल सेक्सी सी। तो जो एक्चुअल में कार दिखाने के लिए आया हूँ वो दिखाता हूँ। तो ये रही, ओए होए, ओए होए 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 होए, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी भाई, लग रही है बिल्कुल खतरनाक सी। तो इस पे अपन ने पेंट किया है कंप्लीट मैट ब्लैक, ये पीलेबल पेंट है, और लग रहा है झकास बिल्कुल खतरनाक सा। तो ये एक्चुअल में इस कलर में बहुत ही अल्टीमेट लग रही है, और स्पेशली मैट ब्लैक कलर में विद ये स्पेशल इसमें एलॉय लगे हुए हैं, तो बड़ी माचो सी लग रही है कार। इसके अंदर कंप्लीट अपन ने किट भी लगा रखा है। तो भाई अब देखो इसको क्या खतरनाक सी लग रही है। तो इसके अंदर लगी हुई है कंप्लीट ये फोर्ड की ग्रिल, ये लाइट वाली ग्रिल है, हाँ लग तो लाइट वाली रही है मेरे को। तो यहाँ पे लगा हुआ है कंप्लीट बॉडी किट, तो ये वाला एक स्पेशल बॉडी किट है विद यहाँ पे DRL लाइट्स, फॉग लैंप्स, और जो हेडलैम्प है इसके ये मस्टैंग्स से इंस्पायर्ड है, और इसके ऊपर अपन ने किया है पीलेबल पेंट मैट ब्लैक। तो लग तो बहुत ही ज़बरदस्त रही है गाड़ी, और वैसे भी खैर एंडेवर लुक्स के मामले में बड़ी खतरनाक सी है। तो भाई अब अगर रियर लुक्स की बात करें तो पीछे से दिखती है कार कुछ ऐसी, और बिलीव मी बड़ी स्पेशल लग रही है। स्पेशल मतलब कि ऊपर यहाँ पे एक स्पॉइलर लगा दिया अपन ने, साइड में यहाँ पे पिलर लैम्प्स, फिर यहाँ पे लाइट्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, बीच में भी यहाँ पे यह एंडेवर लिखा हुआ, और नीचे का ये जो कंप्लीट बॉडी किट है, ये बॉडी किट बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। ये बॉडी किट अपना क्वाड टिप्स के साथ में है, तो यहाँ पे से देख रहे होंगे ये क्वाड टिप्स, तो ये वैसे फेक टिप्स होते हैं। प्लस इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है HKS का, तो HKS का एग्जॉस्ट लगने के बाद जो ये कार है ना, ये डीजल में ग्रॉल करती है, और अच्छी खासी ग्रॉलिंग करती है। तो यहाँ पे आ गए सनी भैया। हेलो सनी भैया, एक बार थोड़ा लाइट्स ऑन कर दो ताकि अपने व्यूअर्स देख सकें कि कैसी लगती है पीछे से। क्या बात है, लाइट्स ऑन हो गई, नीचे की अभी भी नहीं हुई, एक पॉइंट और ऑन करो, ये हो गई ऑन, ब्रेक दबाना, इंडिकेटर, तो कुछ ऐसी दिखती है कंप्लीट लाइट्स ऑन होने के बाद। और कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। अब एक बार दिखा देता हूँ आगे से लाइट्स, तो फ्रंट लाइट्स भी इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है,
एंड इसमें इंडिकेटर्स भी फ्रंट में रनिंग है। तो ये देखो भाई, ये अब फ्रंट से कुछ ऐसी लग रही है, थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी। नीचे यहाँ पे ये फॉग लैम्प्स विद यहाँ पे DRL एंड हेडलैम्प्स विद रनिंग इंडिकेटर्स, तो इनको मैट्रिक्स इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। और डिफरेंट सी लग रही है यार, बिल्कुल खतरनाक सी लग रही है। एक बार लाइट्स बंद करना सनी भैया। अरे भाई, अब देखो लग रही है गदर, खतरनाक सी बिल्कुल। तो अब एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे, स्टार्ट करना। तो इसके अंदर ये जो एक वुफ आ रही है ना, ये आ रही है इसकी वजह से, एग्जॉस्ट की वजह से। थोड़ा कम रेस, तो ये एग्जैक्टली जो आवाज़ आ रही है ना, ये है एग्जॉस्ट की वजह से। एंड खड़ी हुई गाड़ी में इतना नहीं पता लग रहा, बट जब अपन इसको चलाते हैं तब एक्चुअल में काफ़ी डिफरेंट आवाज़ आती है, डिफरेंट और थोड़ी सी मतलब बेसी। कार में थोड़ी सी बेसी हो जाती है चलाते हैं, तो थोड़ा सा बेस आता है, अच्छा लगता है सुनने में ऑल इन ऑल, और मज़ा भी आता है। तो यार आज ना वर्कशॉप पे एक बहुत ही स्पेशल अपने फैमिली के मेंबर, मतलब टर्बो फैमिली के मेंबर विक्की भैया, तो हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, करीब 15-20 मिनट हो गए होंगे शायद, 15-20 मिनट से हम बात कर रहे हैं। और ये स्पेशल मुझे ढूंढते हुए यहाँ वर्कशॉप पहुँच गए, एंड इनको गाड़ी का साउंड सुनना है। तो एक बार अपनी कार का साउंड सुनाते हैं इनको, और उसके बाद एक बार वर्कशॉप टूर कराते हैं। तो विक्की भाई, आप क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है स्टिचिंग। अपना बिजनेस है स्टिचिंग का, रोहिणी में, राइट? हाँ जी। चलिए, तो ये रही गाड़ी, कैसी लग रही है भाई आपको? बहुत ज़बरदस्त। रियल में मतलब आपने देखी तो कुछ फ़र्क लग रहा है आपको वीडियो में जैसी देखी थी? अच्छा, रियल में गजब है। तो आवाज़ सुनाते हैं विक्की भैया को। चलो जी, स्टार्ट करें इसको। सही आ रही है? तो ये चेंज भी हो जाती है विक्की जी? ये चेंज हो गई। जो आपका फेवरेट मोड है? फेवरेट मोड अभी बनाना पड़ेगा फिर। चलो बनाते हैं, एक मिनट रुको। तो अभी मैंने कर दी चेंज साउंड, और अब आवाज़ सुन लो एक बार, कौन सी बेटर लग रही है आपको? ये बेटर लग रही है। तो एक काम करते हैं, थोड़े दिन के लिए यही रख लेते हैं। अब वायरल खड़ी है यहाँ पे, तो भैया को वायरल की भी आवाज़ सुननी है, तो अंदर चलते हैं एक बार, वायरल की आवाज़ सुनाते हैं भैया। तो भैया को ले आया मैं वर्कशॉप के अंदर, और ये खड़ी वायरल। जैसी दिखते वैसी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं लग रही। तो कैसी लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है? जबरदस्त लग रही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये लीजिए, आप ही स्टार्ट करिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैंने चाबी ऑन कर दी, सेल्फ दबाइए भैया, इंजन किल स्विच ऑन करके। कोई नहीं, दबाइए दबाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे कान में खुजली हो गई। किस किस के कान में खुजली हुई भाई? वो देखो वहाँ वहाँ तक। हमारे नहीं। आपके नहीं हुई? और जरा पास में हो। लो पास में ही खड़े हैं। ऊंची ऊंची बातें हमारी बच्चों को। लाइटनिंग। हाँ जी, लाइटनिंग भैया घर पर। कार्स मैंने दोनों बिल्कुल साथ में लगवा दी है, ताकि आपको डिफरेंस पता लग सके कि कार्स में क्या डिफरेंस है। तो ये भी 320D है, जो अपनी वाली कार को देख के ये वाला ऑर्डर आया था। एंड अपनी वाली कार में और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताना। वैसे पॉइंटेड डिफरेंस अब मैं बता देता हूँ कि ये है,
तो इसमें जो मेरी वाली कार में लगी हुई है ये वाली रेड कलर में लाइट है एंड दिस इज स्मोक ब्लैक, तो ये वाली ये स्मोक ब्लैक कलर में और अपनी वाली ये रेड कलर में, और बाकी पीछे से ऑलमोस्ट सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया अपन ने, लगभग सब कुछ सेम है। एलॉय में ज़रूर डिफरेंस है, तो इस कार के एलॉय दिखते हैं कुछ ऐसे, और कंप्लीट वाइट कलर में दिख रही है कार, तो एलॉय दिखते हैं कुछ ऐसे। साइड का ये फेंडर भी अपन ने चेंज किया है, प्लस छत को अपन ने कर दिया है कंप्लीट ब्लैक। तो अब अगर फ्रंट की बात करें तो मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस मतलब अब देखो ये हो गया मेजर डिफरेंस। तो ये है कंप्लीट M3 का किट, M3 का फ्रंट बम्पर, और विद ये जो किडनी ग्रिल्स हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट किडनी ग्रिल्स लगाई हैं अपन ने M3 ही वाली, तो M3 की किडनी ग्रिल्स ऐसी ही आती हैं, मतलब ये बिल्कुल चेंज। और अगर पास से दिखाऊंगा तो कुछ दिखती है ऐसी, और उसके बाद जो अपनी कार में लगी हुई है वो है कंप्लीट जो आगे का बम्पर है ये M4 का है, विद जो अपनी ये ग्रिल लगी हुई है ये डायमंड कट ग्रिल, विद जो हेडलैम्प्स हैं हेडलैम्प्स में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो ये वाले जो हेडलैम्प हैं ये BMW के ओरिजिनली 320D के हैं, और अपने वाले जो लगे हुए हैं ये स्पोर्ट्स एडिशन वाले लगे हुए हैं जो डिफरेंट लगते हैं बिल्कुल, एंड अंदर से कम्प्लीटली ब्लैक। तो दोनों में से कौन सी कार आपको अच्छी लग रही है, प्लस इसमें ऊपर का बोनेट चेंज नहीं कराया कस्टमर ने, अपनी वाली में ये वाला बोनेट भी लगा हुआ है, एंड एक और फ़र्क है जो है ये ग्लास का, तो यहाँ पे अपनी वाली कार में ये ग्लास नॉर्मल वाला लगा हुआ है और इसके ऊपर अपन ने M3 का प्रॉपर वाला ग्लास कवर लगा दिया ऊपर कार्बन फाइबर का, तो ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर का कलर है। ये मेरी कार के भी आने वाले हैं जल्दी और लग जाएंगे, तो कैसी लग रही है भाई बताओ मुझे, मज़ा आ रहा है देखने में? तो दोनों बिल्कुल कम्प्लीट, इसमें M4 का किट, इसमें M3 का किट फ्रंट से अगर बात करें तो। यार बाहर हो रही थी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा, मैं आ गया हूँ वापस अंदर ऑफिस के अंदर और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। रिलैक्स होने के बाद थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी 3 सीरीज हो और उसको आपको अपग्रेड कराना हो कंप्लीट M3 में या लेटेस्ट वाले मॉडल में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑटो मार्क पे, और कोई भी वैसे पुरानी गाड़ी हो, पुरानी मतलब कि प्रीमियम पुरानी गाड़ी जैसे लैंड क्रूजर्स हो गई, प्राडोज हो गई, अपना मर्सिडीज़ की GLS, GLE, मर्सिडीज़ E-क्लास, C-क्लास, CLA, तो इनको किसी भी परफॉर्मेंस किट्स में अगर अपग्रेड कराना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो ऑटो मार्क पे, और किसी भी टाइप का अगर प्रीमियम कार में एग्जॉस्ट लगवाना हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हो ऑटो मार्क पे, एंड अगर कोई भी डीजल कार में एग्जॉस्ट लगवाना हो एक्टिव वाला तो भी, समझ गए ना? तो एक बार अब वायरल का साइड फेयरिंग खोल लेते हैं क्योंकि उसका रिपेयरिंग का टाइम आ चुका है, काफ़ी दिन हो गए वो यहीं पे खड़ी हुई है। कलर सैंपल्स अभी भी पूरे तैयार नहीं हुए, थोड़े से कलर सैंपल्स बचे हुए हैं अभी भी, तो जैसे ही कलर सैंपल्स और तैयार हो जाएंगे वो कवर कर दूंगा किसी और ब्लॉग में। लेट है क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी लेट, लेट मतलब 7:52, नॉर्मली 7 बजे अपना वर्कशॉप बंद हो जाता है बट क्लोज डाउन हो जाता है, बट आज एक कार पे स्पेशल पेंट डल रहा है, मतलब पीलेबल पेंट। पीलेबल पेंट काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ये क्या होता है, तो ये पड़ा भाई सैंपल पीलेबल पेंट का, ये ओरिजिनली वाइट है और ये पीलेबल पेंट हुआ हुआ है, तो ये देखो कितने आराम से उतर जाता है ये। अब इसमें ये फ़ायदा होता है कि जब नीचे का पेंट आता है ना तो ये नीचे वाला बिल्कुल स्मूथ रहता है सरफेस, जबकि अपन जब रैप करते हैं तो थोड़ा सा इशू रहता है रैप में कि पेंट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। मेरी गाड़ी पर रैप इसलिए कराया था क्योंकि हम श्योर नहीं थे येल्लो कलर के लिए, एंड पीलेबल पेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया। बट अब जैसे येल्लो कलर बिल्कुल प्रॉपर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी तो खैर देखो रैप बहुत सारा पड़ा हुआ है तो इस टाइम तो नहीं, अगर फ्यूचर में गाड़ी अपन ने परमानेंट अपने पास में रख ली तो उस पर अपन प्रॉपर येल्लो कलर करा देंगे। तो अब चलते हैं यहाँ से घर, वैसे टाइम भी ज़्यादा हो गया, एंड दोनों BMW कैसी लगी बताना मुझे, एंड किसी भी कार का अगर कोई कन्वर्जन कराना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू फैमिली।